नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जैनिज्म से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं क्लर्क के एग्जामिनेशन से लेकर तो यूपीएससी तक जैनिज्म, बुद्धिज्म, महात्मा गांधी के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसलिए इस लेक्चर में हम जैनिज्म से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने बुद्धिज्म, महात्मा गांधी जैसे अलग से बहुत से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बनाए हैं। आप मेरी दो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, एक है जीके क्वेश्चंस, दूसरी है पर्सनैलिटी क्वेश्चंस। जीके क्वेश्चंस में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनाए हैं, जैसे कि बुद्धिज्म में रिपब्लिक डे है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैंने विस्तार से कवर किया है और ऐसे और भी कई टॉपिक्स हैं। पर्सनैलिटी क्वेश्चन में जो वहाँ पर महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मेजर ध्यानचंद, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, बीआर अंबेडकर, ऐसे कई पर्सनैलिटीज हैं जिनके ऊपर मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुद्धिज्म और महात्मा गांधी और इंडस वैली सिविलाइजेशन के वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसको ईजिली देख सको, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम विस्तार से जैनिज्म को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, और फिर उनकी एक एक करके एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से देखने वाले हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज पैक वीडियो आपके लिए ये होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करके बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, जैनिज्म वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ, जैनिज्म कौन से साल में फाउंड हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, 599 BCE में जैनिज्म फाउंड हुआ था। अब यहाँ पे इसके फाउंडर कौन थे? तो इनके फाउंडर थे महावीरा, महावीरा जो कि 24 तीर्थंकर थे। अब देखिए, ये जो तीर्थंकर हैं इनका नंबर और इनके साथ जो इंसाइनिया या सिंबल जुड़ा हुआ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये ध्यान रखना है। महावीरा 24 तीर्थंकर थे और इनके साथ कौन सा सिंबल जुड़ा है? लायन सिंबल जुड़ा है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अच्छा, 24th तीर्थंकर को हम जैनिज्म के फाउंडर मान रहे हैं, तो इससे पहले जो 23 तीर्थंकर हुए हैं उनका क्या रोल है? उनका भी अपना अपना रोल है। दरअसल महावीरा की जो टीचिंग्स हैं और जिस प्रकार से इन्होंने रिलीजन को प्रोपेगेट किया उसको हमने जैनिज्म कहा, और इनके जो अनुयायी हुए उनको हमने क्या कहा? जैन कहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो 23 तीर्थंकर्स हैं उनका कोई रोल नहीं था। जैनिज्म के जो रूट्स हैं वो महावीरा को प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि महावीरा से पहले बो दिए गए थे, लेकिन इनकी लाइफ और इनकी जो टीचिंग्स हैं उसको ऐसा माना जाता है कि उसने जैनिज्म को फॉर्मली इस्टेब्लिश किया। तो इनकी लाइफ, इनकी टीचिंग्स, जिस प्रकार से इन्होंने प्रोपेगेट किया धर्म, उसके माध्यम से जैनिज्म को इन्होंने फॉर्मली इस्टेब्लिश किया। लेकिन इससे पहले जो जैन मॉन्क्स थे उनका भी अपना अपना योगदान रहा है। तो फाउंडर कौन है? महावीरा हैं, और कब फाउंड हुआ था? 599 BCE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनिज्म वॉज स्टार्टेड इन, जैनिज्म भारत के कौन से हिस्से में स्टार्ट हुआ? नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ईस्टर्न इंडिया में। ये हमारे भारत का मैप है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट इंडिया में एक स्टेट आता है बिहार, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है बिहार। तो जैनिज्म की शुरुआत बिहार से हुई थी। तो या तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन से पार्ट से हुई, ईस्टर्न इंडिया से, या फिर आपसे सीधा स्टेट पूछी जा सकती है। तो स्टेट क्या है? बिहार है, ये आपने ध्यान रखना है। ये सवाल पहले भी पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फाइव ग्रेट वोज ऑफ जैनिज्म इज, जैन धर्म की पांच ग्रेट वोज कौन कौन सी हैं? चैस्टिटी, ट्रूथ, नॉन वायलेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जैन धर्म की पांच ग्रेट वोज में आती हैं। तो अब कौन कौन सी पांच ग्रेट वोज हैं, इनको याद रखने का ट्रिक है असाप, असाप। अब और भी ट्रिक हो सकता है, ये मैंने अपने जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं तैयारी करता था आपकी तरह, तब बनाया था मैंने। तो अगर आपको कोई और ट्रिक से याद करना है तो आप उससे भी याद कर सकते हो, और अगर आप शेयर करना चाहो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप इसको शेयर भी कर सकते हो। और बाकी भी आपने अगर कोई कमेंट करना हो, कुछ भी लिखना हो मेरे पढ़ाने के तरीके के ऊपर, या कुछ सजेशन देना हो, तो आपके लिए सबके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। तो पाँच ग्रेट वोज को याद रखने का ट्रिक है असाप। अब देखो एक एक करके देखते हैं। ए से सबसे पहले आता है अहिंसा, अहिंसा माने नॉन इंजरी, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहिंसक बनना है। महात्मा गांधी भी बात करते थे अहिंसा की, किसी के ऊपर कोई भी हमला नहीं करना है, या किसी को मारना कूटना नहीं है, किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं करनी है। एस से आता है सत्य, नॉन लाइंग, हमेशा सच बोलना है, ठीक है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। फिर आता है ए अस्त्या, अस्त्या माने नॉन स्टीलिंग, आपने कुछ भी स्टील नहीं करना है, ठीक है, चोरी चकारी नहीं करनी है, ईमानदारी से पैसा कमाना है, ईमानदारी से अपना जीवन जीना है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, नॉन स्टीलिंग। फिर आता है ए से अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है
आपके पास संपत्ति, तो नॉन पोजेशन मतलब ज़्यादा संपत्ति के पीछे नहीं भागना है, नॉन पोजेशन। अब देखो ये जो बातें होती है ना नॉन पोजेशन, ये बेसिकली मोंक्स के लिए होती हैं जो संन्यास वगैरह ले लेते हैं, जो संसारिक जीवन में है वहाँ पे। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मेरा ऐसा मानना है कि संसारिक जीवन में थोड़ी बहुत पोजेशन होना तो इम्पॉर्टेंट है। नॉन पोजेशन जो है ये वहाँ पर हो सकता है जहाँ पर आप कहो कि ये कोई मोंक है या कोई संन्यासी है, वहाँ पर ये पॉसिबल हो सकती है। संसारिक जीवन में तो थोड़ा बहुत पोजेशन होना भी चाहिए, बाकी आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर बी से आता है ब्रह्मचर्य माने कि चेस्टिटी, तो हमने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब देखिए ये जो पहले चार वोज हैं ये दिए थे पार्श्वनाथ जी ने, जो कि जैन 23rd तीर्थंकर थे, जो 23वें तीर्थंकर थे। लेकिन जो पांचवा है ब्रह्मचर्य, उसे दिया था महावीरा ने, जो कि 24th तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23rd थे और इनके साथ जो सिंबल जुड़ा है वो क्या है, वो है सरपेंट। महावीरा 24th थे और इनके साथ जो सिंबल जुड़ा है वो है लायन। चलिए नेक्स्ट, जैनिज्म बिलीव दैट डैश क्रिएटेड द वर्ल्ड, वर्ल्ड को किसने क्रिएट किया है, तो राइट आंसर है नोबडी। जैन धर्म के लोगों का ऐसा मानना है कि वर्ल्ड इटर्नल है, ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, इसको किसी ने नहीं बनाया है, ये पहले से एग्जिस्ट करता है, ये इटर्नल है। और ये जो यूनिवर्स है ये अपने नेचुरल लॉज और प्रिंसिपल्स के ऊपर ऑपरेट करता है। अब क्योंकि ये अपने नेचुरल लॉज और प्रिंसिपल्स पर ऑपरेट कर रहा है, तो इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और इसका कोई क्रिएटर भी नहीं है, ये जैनिज्म का मानना है। तो इसलिए जैनिज्म बिलीव्स दैट नो बॉडी क्रिएटेड द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री रियल्म्स ऑफ जैनिज्म आर, जैन धर्म के तीन रियल्म्स कौन कौन से हैं, तो हेवन, अर्थली, हेल, ये तीनों इसके रियल्म हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए रियल्म क्या होते हैं, ये डिफरेंट लेवल है एग्जिस्टेंस के, एक इंडिविजुअल के एक्शन और उसके कर्मों के ऊपर उसे ये रियल्म मिलते हैं। अगर किसी ने अच्छा कर्म किया है तो उसको उस हिसाब से रियल्म मिलेगा, यानी उस हिसाब से लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो उस हिसाब से मिलेगा। हेवन जो है ये एसोसिएटेड है ब्लिसफुल और डिवाइन बींग्स, जो बहुत ही डिवाइन लोग होते हैं, जो बहुत ही मतलब इनलाइटन बींग होते हैं, उनको हेवन मिलता है, उनके साथ हेवन जुड़ा है। अर्धरी रियल्म जो है ये ह्यूमंस और एनिमल्स के साथ जुड़ा है, जहाँ पर ह्यूमन और एनिमल्स रहते हैं जैसे हमारे जैसे लोग हैं। और फिर हेल आता है, तो उसमें सफरिंग और टॉर्मेंट है, तो कोई व्यक्ति जिसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो फिर उसको हेल मिलेगा, सफरिंग और टॉर्मेंट है। तो ये तीन रियल्म्स यानी कि डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, किसके ऊपर बेस्ड हैं, ये कर्मों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप लेवल ऑफ हेवन इज कॉल्ड, अब हमने तीन रियल्म देखे, हेवन, अर्दली और हेल, तो जो हेवन है उसमें भी एक टॉप लेवल का हेवन है, टॉप लेवल का हेवन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द रियल्म ऑफ जिनास। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, द रियल्म ऑफ जिनास। अब यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, यहाँ पे जो इनलाइटन बीइंग हैं, जो मतलब साल्वेशन जिनकी होगी है, मोक्ष प्राप्ति होगी है जिनको, या फिर जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, वो इस टॉप लेवल का जो रियल में यहाँ पे रहते हैं, कौन कौन से, इनलाइटन बीइंग और जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, हेवन का जो टॉप लेवल है उसको क्या बोलते हैं, द रियल्म ऑफ जिनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीरा वॉज नोन एज डैश इन द रिलीजन ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म में महावीरा को क्या कहा जाता है, तो उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर जो है उसका मतलब क्या होता है कि वो स्पिरिचुअल लीडर हैं जिन्होंने ऑलरेडी इनलाइटनमेंट अटेन कर ली है, ये ऑलरेडी इनलाइटन हो चुके हैं और ये बाकियों को लिबरेशन का रास्ता, लिबरेशन का पाथ दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार के स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, इनको तीर्थंकर बोलते हैं। तो महावीरा को जैन धर्म में क्या बोला जाता है, तीर्थंकर बोला जाता है। हालांकि महावीरा को और भी नामों से पुकारा जाता है, आप ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले आता है केवलिन, केवलिन का मतलब होता है परफेक्ट लर्न, जो परफेक्ट लर्न है वो क्या बना, केवलिन। फिर आता है जिना या जितेंद्रिया, जितेंद्रिया माने जिसने अपनी इंद्रियां जीत ली हैं, इंद्रियां जीत ली मतलब इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, जिसने अपने सेंसेस को कॉन्कर कर लिया है वो है जितेंद्रिया, जितेंद्रिया या जिना, तो ये भी महावीरा को बोलते हैं। फिर एक नाम आता है अरहंत, अरहंत का मतलब होता है ब्लेस्ड वन, अरहंत का मतलब क्या हुआ, ब्लेस्ड वन। फिर एक नाम आता है निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ यानी कि निर मतलब कि फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, कोई भी बॉन्ड इस व्यक्ति को नहीं है, ये सारे बॉन्ड्स से फ्री है, निर्ग्रंथ। और जो महावीरा नाम है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब होता है द ब्रेव,
क्या मतलब होता है द ब्रेव, और ये 24th तीर्थंकर हैं, इनके साथ कौन सा सिंबल जुड़ा है, लायन। तो आपने कैसे याद रखना है, ब्रेव लाइक अ लायन, लायन ब्रेव होता है ना, तो ब्रेव लाइक अ लायन कौन, महावीरा। तो जैनिज्म में महावीरा को क्या बोलते हैं, तीर्थंकर, और बाकी उनके कुछ नाम आते हैं केवलिन, जितेंद्रिया, अरहंत, निर्ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ या ऋषभ देव, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऋषभ या ऋषभ देव ये पहले तीर्थंकर थे। इन्हीं को ओरिजिनेटर भी माना जाता है जैनिज्म का। फाउंडर और ओरिजिनेटर में फ़र्क है, जो फिलॉसफी है, जो बीज है, वो ऑब्वियसली ओरिजिनेटर ने बोए, यानी कि ऋषभ देव जी ने। जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने इसको एक फॉर्मली इस्टेब्लिश किया है, आप कह सकते हो कि इसको एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। तो फर्स्ट तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव। अब इनको आदिनाथ भी कहते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपने अजितनाथ और आदिनाथ इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। अजितनाथ जो हैं ये सेकंड तीर्थंकर हैं, बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं और क्वेश्चन गलत कराते हैं, ऐसा आपने नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ। आदिनाथ किसका नाम है, ऋषभ देव जी का। अजितनाथ अलग हैं, वो सेकंड तीर्थंकर हैं, उनका जो सिंबल है वो एलिफेंट है, लेकिन ऋषभ देव जो हैं ये फर्स्ट तीर्थंकर हैं और इनको आदिनाथ भी कहते हैं। और इनके साथ कौन सा सिंबल जुड़ा है, बुल इनके साथ जुड़ा है। अब बाकियों को देखते हैं, जैसे अजितनाथ, अजितनाथ का कौन सा सिंबल है, एलिफेंट, और ये सेकंड तीर्थंकर हैं, आदिनाथ के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना है, आदिनाथ ऋषभ देव को बोलते हैं। नेमीनाथ, ये है नेमीनाथ, नेमीनाथ जो हैं इनका जो सिंबल है वो ब्लू लोटस है, और ये 21st तीर्थंकर थे, और महावीर तो हमने देख ही लिया, 24th ब्रेव लाइक अ लायन, ठीक है। तो हु वॉज अ फर्स्ट तीर्थंकर, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अ लास्ट तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों में सबसे लास्ट तीर्थंकर कौन थे, महावीरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महावीरा लास्ट तीर्थंकर थे, और 24th तीर्थंकर थे, ब्रेव लाइक का लायन सिंबल क्या है, लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलीडे ऑफ जैनिज्म इज, जैन धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट हॉलीडे कौन सा है, पर्युषणा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हालांकि महावीर जयंती भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पर्युषणा है। अब ये होता क्या है, ये एक पीरियड है इंटेंस स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन और सेल्फ डिसिप्लिन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये पीरियड है इंटेंस स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन और सेल्फ डिसिप्लिन का। ये जो पीरियड है, यहाँ पे जैंस काफ़ी फास्टिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, काफ़ी चैरिटी के काम करते हैं, ताकि अपनी सोल को प्यूरीफाई किया जाए, और उनके जो सिंस हैं, कि अगर जीवन में कुछ गलत काम मान लो हुआ है, तो फिर उसके लिए वो फॉरगिवनेस सीख करते हैं, कि भगवान हमें माफ़ कर दे। तो ये है पर्युषणा, ऑप्शन पी इज द राइट आंसर। वट वॉज अ नंबर ऑफ गंधारास, इनको हम गंधर्वास भी बोलते हैं, जिसका मतलब है फॉलोअर्स ऑफ महावीर स्वामी। देखिए, महावीर स्वामी जब इनलाइटन हुए, तो उन्होंने सबसे पहला सरमन दिया पावा में, कहाँ दिया, पावा में। यहाँ पे पहला सरमन उन्होंने अपने 11 फॉलोअर्स को दिया था। तो उनके जो 11 फॉलोअर्स हैं, उनको हम कहते हैं गंधारास या फिर गंधर्वास। तो कितना नंबर था, 11, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इनको गंधारास या गंधर्वास बोलते हैं, तो कई कई जगह गंधर्वास भी लिखा होता है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इन विच टेक्स्ट द नेम ऑफ गंधारास आर नॉट मेंशन, ये जो चार आपको टेक्स्ट दिए हैं, इनमें से तीन में गंधारास का नाम मेंशन है, एक में नहीं है। किस में नहीं है, न्याय अवतारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। न्याय अवतार जो है, वहाँ पे गंधारास का मेंशन नहीं है। अब ये जो न्याय अवतार है, ये टेक्स्ट किसने लिखा है, ये लिखा है सिद्धसेन दिवाकर ने। सिद्धसेन दिवाकर जो कि एक जैन फिलोसोफर थे, उन्होंने न्याय अवतारा, और एक और लिखा है सन्माति तर्क सूत्रा, और 5th century AD में ये हुए थे। तो ये आपने ध्यान रखना है, न्याय अवतारा किसने लिखा है, सिद्धसेन दिवाकर ने, और न्याय अवतारा निम्नलिखित में से वो टेक्स्ट है जहाँ पे गंधारास का नाम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द गंधारा ऑफ महावीर स्वामी, निम्नलिखित में से तीन जो थे वो महावीर स्वामी के 11 गंधर्वास में से थे, लेकिन एक नहीं थे, नाम है जमाली, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए, महावीर स्वामी जी की शादी हुई, उनकी पत्नी का नाम था यशोधा। यशोधा जो थी वो समर वीरा किंग की डॉटर थी। अब इनकी शादी हुई तो बच्चा भी होगा, तो इनकी एक बेटी थी अनोंजा प्रियदर्शिनी। इन अनोंजा प्रियदर्शिनी के पति थे जमाली। तो ये बेसिकली जो महावीर स्वामी हैं उनके सन इन लॉ थे। ये उन 11 गंधर्वास में से एक नहीं थे, मगर
ये पहले डिसाइपल या पहले फॉलोअर थे महावीर स्वामी के, आपने ध्यान रखना है, आगे सवाल मैंने डाला है वैसे। तो जमाली जो थे वो 11 गंधारा या गंधर्वा नहीं थे। हु बिकेम द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी की जब मृत्यु हुई तो जैन संघ के पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? सुधर्मन बने थे। सुधर्मन काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। ये 11 गंधर्वास में से एक थे और ये इकलौते गंधारा या गंधर्वा हैं जो महावीर स्वामी जी की जब डेथ हुई थी तब ये ज़िंदा थे, मतलब उन्होंने महावीर स्वामी की डेथ को सरवाइव किया था। बाकी जो 10 थे उनकी पहले मृत्यु हो गई थी। इकलौते सुधर्मा थे जिन्होंने महावीर स्वामी की डेथ जो है उसे सरवाइव किया था। तो सुधर्मन पहले प्रेसिडेंट बने थे जैन संघ के आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ सुधर्मन। अब महावीर स्वामी जी ने जब अपना देह त्यागा, इस प्रकार के जो इनलाइटन बींग होते हैं उनके लिए हम ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने देह त्यागा, तो महावीर स्वामी जी ने जब अपना देह त्यागा तो उसके बाद जैन संघ के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? सुधर्मन बने। मगर जो भी व्यक्ति आया है वो एक दिन जाएगा, तो सुधर्मन जी की भी मृत्यु होगी। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो सेकंड प्रेसिडेंट कौन बने, ये सवाल है, तो वो बने थे जम्बू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जम्बू सेकंड प्रेसिडेंट बने थे जैन संघ के आफ्टर द डेथ ऑफ सुधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल ऑर्गेनाइज। अब देखिए, बुद्धिस्ट और जैन काउंसिल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, सवाल सीधा पूछ लिया जाता है। तो मैंने सारी की सारी बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो बुद्धिज़्म वाली वीडियो है उसमें ऑलरेडी कवर करी हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन और महात्मा गांधी, काफ़ी क्वेश्चन उससे बनने वाले हैं। अब हम बात करेंगे जैन काउंसिल्स की। तो फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी? पाटलिपुत्रा में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब ये कब हुई थी? तो ये 300 BC में हुई थी। 300 BC, 300 BC में फर्स्ट जैन काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई कहाँ पे? पाटलिपुत्रा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल। फर्स्ट जैन काउंसिल के प्रेजिडेंट कौन थे? तो उनका नाम था स्थूलभद्रा। के नाम याद रखिएगा, स्थूलभद्रा संस्थापक थे श्वेतांबर सेक्ट के। आगे हम देखेंगे कि जैन धर्म में दो डिविजन्स कैसे हुई, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो स्थूलभद्रा श्वेतांबर सेक्ट के फाउंडर थे, यही प्रेसिडेंट थे फर्स्ट जैन काउंसिल के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जैन काउंसिल जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू श्वेतांबर एंड दिगंबर सेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वो जैन काउंसिल थी जहाँ पे जैन धर्म की डिवीजन हो गई श्वेतांबर और दिगंबर सेक्ट में। अब काउंसिल के बारे में बताने से पहले मैं आपको इससे पीछे जो स्टोरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 298 BC में क्या हुआ? साउथ बिहार का एक जगह है मगध, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैन मॉन्क्स रहा करते थे। लेकिन 298 BC में मगध में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया, फेमाइन आ गया। तो अब यहाँ पे फेमाइन आया तो कुछ जैन मॉन्क्स यहाँ से छोड़ के चले गए, कुछ जैन मॉन्क्स यहीं पर रह गए। जो जैन मॉन्क्स यहाँ से छोड़ के गए कहाँ पे गए? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में भी मुख्यतः वो कहाँ गए? श्रवण वेल गोला वो कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो यहाँ पे कौन कौन गए? यहाँ पे भद्रबाहु गए, ध्यान में रखिएगा, भद्रबाहु गए, चंद्रगुप्त मौर्य और कुछ जैन मॉन्क्स के साथ ये सारे चले गए साउथ इंडिया में। भद्रबाहु, नाम याद रखना है, भद्रबाहु। दूसरी तरफ कुछ जैन मॉन्क्स जो कि मगध में ही रह गए, उनका लीडर कौन थे? उनके लीडर थे स्थूल भद्रा। तो भद्रबाहु साउथ इंडिया में चले गए, स्थूल भद्रा यहीं पे रह गए। अब देखो, भद्रबाहु 12 साल के बाद दोबारा मगध आए। कितने साल के बाद आए? आफ्टर 12 ईयर्स। अब जब ये 12 साल के बाद दोबारा मगध आए तो इस समय इन्होंने कोई भी कपड़ा नहीं पहना था, ये कम्प्लीटली न्यूड थे, नेकेड थे। अब इन्होंने यहाँ पे आके कहा कि कम्प्लीट न्यूडिटी ये एसेंशियल पार्ट है महावीरा की टीचिंग्स का, ये ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भद्रबाहु मगध छोड़ के साउथ इंडिया में आए, 12 साल के बाद वो दोबारा मगध गए। इस समय जब वो मगध में आए तो ये कम्प्लीटली न्यूड थे, कोई कपड़ा नहीं पहना था। तो तब इन्होंने कहा कि कम्प्लीट न्यूडिटी एसेंशियल पार्ट है महावीरा की टीचिंग्स का। तो यहाँ पे ये एक सेक्ट जहाँ पे स्टार्क नेकेड, बिल्कुल कोई भी कपड़ा शरीर पे नहीं पहनना है, ये बन गया दिगंबर।
लेकिन जो स्थूल भद्रा थे और जो जैन मॉन्क मगध में रहे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल न्यूड नहीं होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम वाइट क्लोथ, हम सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे। तो वाइट क्लैड या वाइट क्लोथ ये क्या बन गए, श्वेतांबर, श्वेत मतलब वाइट, श्वेत का मतलब भी वाइट होता है। तो यहाँ पे जिन्होंने बोला कि हम बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनेंगे वो बन गए दिगंबर, जिन्होंने कहा कि हम सफ़ेद कपड़े पहनेंगे वो बने श्वेतांबर। तो इस प्रकार से श्वेतांबर और दिगंबर सेक्स में डिवीज़न होती है। अब यहाँ पे एक काउंसिल हुई और वहाँ पे ये जो डिवीज़न है इसे फॉर्मलाइज कर दिया गया। तो अब यहाँ सवाल है कि कौन सी जैन काउंसिल थी, तो वो फर्स्ट जैन काउंसिल थी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये स्टोरी आपने ध्यान में रखनी है पूरी की पूरी कि किस प्रकार से ये दो सेक्ट बने और इनके अलग अलग बिलीव्स बने और कौन सी जैन काउंसिल में ये फॉर्मल डिवीज़न हुई, ये फर्स्ट जैन काउंसिल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अंगाज आर देयर इन जैन लिटरेचर। अब देखो, जब हम जैन लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें आता है अंगाज, उपांगाज, मूल सूत्रास, परिकरणास, छेद सूत्रास और सूत्र ग्रंथास, ये सारे जैन लिटरेचर का पार्ट बनता है। तो इसमें आपको बताना है कि अंगाज कितने हैं, तो 12 अंगाज हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैन लिटरेचर में 12 अंगाज हैं। हाउ मेनी उपंगाज आर देयर इन जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर में कितने उपंगाज हैं, तो उपंगाज भी 12 हैं, अंगाज भी 12 हैं, उपंगाज भी 12 हैं। अंगाज कब कंपाइल हुए थे, फर्स्ट जैन काउंसिल में, उपंगाज कब कंपाइल हुए, सेकंड जैन काउंसिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी परिकरणाज आर देयर इन जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर में कितने परिकरणाज हैं, तो 10 परिकरणाज हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी छेद सूत्रास आर देयर इन जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर में कितने छेद सूत्र हैं, तो 6 छेद सूत्र हैं, इसको याद रखना आसान है, छेद सूत्र नाम में ही नंबर आ जा रहा है, 6 छेद सूत्र में 6 नंबर आ जा रहा है। तो जैन लिटरेचर में कितने छेद सूत्र हैं, 6 हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी मूल सूत्रास आर देयर इन जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर में कितने मूल सूत्रास हैं, तो 4 मूल सूत्रास हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाउ मेनी सूत्र ग्रंथास आर देयर इन जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर में कितने सूत्र ग्रंथ हैं, तो 2 सूत्र ग्रंथ हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन विच जैन काउंसिल 12 अंगाज वर कंपाइल्ड, निम्नलिखित में से वो कौन सी जैन काउंसिल है जहाँ पे 12 अंगाज 12 अंगाज कंपाइल हुए थे, तो फर्स्ट जैन काउंसिल में 12 अंगाज कंपाइल हुए। हु वॉज द पैटर्न ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल, फर्स्ट जैन काउंसिल के पैटर्न कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट जैन काउंसिल के पैटर्न थे। अभी तक हमने फर्स्ट जैन काउंसिल से रिलेटेड क्या क्या देखा, सबसे पहले कि ये कहाँ पे हुई, पाटलिपुत्रा में, कब हुई, 300 BC में, इसके चेयरमैन कौन थे, स्थूल भद्रा, इसके पैट्रॉन कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, और इसमें क्या हुआ, 12 अंगाज कंपाइल हुए, और जैन धर्म की फॉर्मल डिवीज़न हुई दिगंबर सेक्ट में और श्वेतांबर सेक्ट में। तो ये सारे फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू फर्स्ट जैन काउंसिल जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं सेकंड जैन काउंसिल पे, वेयर वॉज द सेकंड जैन काउंसिल ऑर्गेनाइज, सेकंड जैन काउंसिल कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी, वल्लभी में, इसको वल्लभी वी भी बोल देते हैं, बी भी बोल देते हैं, सेकंड जैन काउंसिल वल्लभी में या वल्लभी में ऑर्गेनाइज हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ सेकंड जैन काउंसिल, सेकंड जैन काउंसिल के प्रेजिडेंट कौन थे, तो क्षमा शर्मन थे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनको कहीं कहीं पे देवादी क्षमा शर्मन भी बोलते हैं, तो ये आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, देवादी क्षमा शर्मन या क्षमा शर्मन प्रेजिडेंट थे सेकंड जैन काउंसिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जैन काउंसिल 12 उपंगास वर कंपाइल्ड, तो कौन से जैन काउंसिल में 12 उपंगास कंपाइल हुए थे, सेकंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 12 अंगास कंपाइल हुए फर्स्ट जैन काउंसिल में, 12 उपंगास कंपाइल हुए सेकंड जैन काउंसिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबसेक्ट ऑफ श्वेतांबर सेक्ट। अब देखिए, जैन धर्म डिवाइड हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में, फिर आगे श्वेतांबर और दिगंबर इनके भी अलग अलग सेक्ट बने, तो हमने बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसेक्ट श्वेतांबर सेक्ट का सबसेक्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर है बीसपंथी। बीसपंथी जो है वो दिगंबर सेक्ट का सबसेक्ट है, बाकी जो हैं देरावासी, स्थानकवासी, पुजेरा, ये श्वेतांबर सेक्ट के सबसेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबसेक्ट ऑफ दिगंबर सेक्ट, दिगंबर सेक्ट का कौन सा निम्नलिखित में से जो सबसेक्ट नहीं है वो है स्थानकवासी, मैंने आपको बताया ये श्वेतांबर सेक्ट का सबसेक्ट है, बाकी बीसपंथी, तेरापंथ, समय्यपंथी, ये सारे के सारे क्या हैं, दिगंबर सेक्ट के सबसेक्ट हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ फीमेल तीर्थंकर, अब 24 तीर्थंकरों में महिला तीर्थंकर भी थी, उनका नाम था मालीनाथ,
ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब सवाल है वही कि कौन से नंबर की थी और कौन सा सिंबल था। तो इनका सिंबल कलश या फिर वाटर पोट है, और ये कौन से नंबर की हैं, 19th नंबर की हैं। तो जो 19th नंबर की तीर्थांकर हैं वो फीमेल तीर्थांकर हैं, इनका नाम है मालीनाथ, और इनका जो सिंबल है या इंसाइनिया है वो है कलश वाटर पोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग तीर्थांकर्स हैड एन इंसाइनिया डियर। निम्नलिखित में से वो कौन से तीर्थांकर हैं जिनका इंसाइनिया या सिंबल डियर है। तो राइट आंसर है शांतिनाथ, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। शांतिनाथ वो तीर्थांकर हैं जिनका इंसाइनिया या सिंबल डियर है, और ये 16th नंबर के तीर्थांकर हैं। हु वॉज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीरा, महावीरा के पहले फॉलोअर कौन थे। तो जमाली महावीरा के पहले फॉलोअर थे, महावीरा की वाइफ थी यशोदा, इनके साथ इनकी एक बेटी थी अनुजा प्रियदर्शिनी, उनके हस्बैंड थे जमाली, तो ये उनके जमाता थे। ऐसे आपने याद रखना है जमाता से जमाली। आप सब जानते हो कि जो बेटी का पति होता है उसको जमाता बोलते हैं, तो जमाता जमाली, महावीर के जमाली क्या थे, जमाता थे, जमाता जो थे वो जमाली थे। मतलब मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि दिमाग में ये दोनों राइम करती हुई चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। महावीरा के जमाता थे जमाली, और यही उनके फर्स्ट फॉलोअर थे या फर्स्ट डिसाइपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू एंशियंट जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से ये चार स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, बताना है कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट, जैनिज्म वर स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूल भद्रा। तो क्या ये सही है, नहीं है। साउथ बिहार का मगध, इसको छोड़ के कौन आए थे, भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य और बाकी जैन मॉन्क्स के साथ। तो ऑब्वियसली जब साउथ इंडिया में भद्रबाहु गए, स्थूल भद्रा तो मगध में ही रहे, तो जो साउथ इंडिया में गए वही तो वहाँ पे स्प्रेड करेंगे, तो यहाँ पे भद्रबाहु ने स्प्रेड किया था, तो ये गलत हो गया। द जैन्स हु रिमेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर्स आफ्टर द काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्रा, जो फर्स्ट काउंसिल में डिवीजन हुई। तो क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया एस से श्वेतांबर, एस से स्थूल भद्रा। तो जो स्थूल भद्रा के फॉलोअर थे या स्थूल भद्रा जिस सेक्ट के लीडर हैं वो क्या हैं, वो श्वेतांबर हैं। भद्रबाहु कौन से लीडर थे, ये दिगंबर सेक्ट के लीडर थे, तो ये भी गलत हो गया। सेकंड, अब थर्ड है जैनिज्म इन्जॉय द पैट्रोनेज ऑफ द कलिंगा किंग खरावेला इन द फर्स्ट सेंचुरी BC। तो ये बिल्कुल सही है। काफ़ी ऐसे रॉयल पैटर्न्स हुए हैं जैन धर्म के, एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में सबसे पहली डायनेस्टी आती है हरयंक डायनेस्टी। हरयंक डायनेस्टी में आएंगे नंदास, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ये सारे नॉर्थ इंडिया में हरयंक डायनेस्टी से जैन धर्म के पैटर्न थे। या फिर मौर्यास, इसमें आपके पास आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और संप्राति। फिर आपके पास आते हैं प्रद्योत, प्रद्योत अवंती। फिर आपके पास आते हैं उदयन, सिंधु सौवीरा, और फिर ये खरावेला किंग्स आते हैं कलिंगा के। कलिंगा और भी किस चीज़ के लिए फेमस है, अशोका के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कलिंगा वॉर हुआ और काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे मारा गया था अशोका के द्वारा। अशोका ने काफ़ी जैन धर्म के लोगों को भी मारा है अपने समय। पूरी की पूरी स्टोरी को मैंने कवर किया है एक अलग वीडियो में, जहाँ पे मैंने अशोका से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस कवर किए हैं। कलिंगा वॉर के ऊपर भी क्वेश्चन है, और ये जो मैंने जैनों को मारने वाली जो स्टोरी बताई ये भी मैंने वहाँ कवर करी है, और वहाँ पे मैंने बाकी सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस अशोका से रिलेटेड जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं वो कवर किए हैं। तो जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये होगी नॉर्थ इंडिया की बात। अब बात करते हैं साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में आता है गंगा डायनेस्टी, फिर आता है कदंब डायनेस्टी, फिर आता है अमोघवर्षा, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी से थे, और फिर आता है सिद्धराज जय सिंह और कुमारपाल, ये थे चालुक्य या सोलंकी डायनेस्टी से। और ये जो आपके पास सिद्धराज जय सिंह और कुमारपाल थे सोलंकी डायनेस्टी के, इनको लास्ट ग्रेट पैटर्न माना जाता है जैनिज्म का। तो ये सारे रॉयल पैटर्न्स हैं नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया के। तो अब यहाँ पे दोबारा अपने सवाल पर आइए कि जैनिज्म को कलिंगा का जो राजा था खरावेला, उसकी पैटर्नेज मिली हुई थी। तो बिल्कुल मिली थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैनर्स वर्शिप्ड इमेजेस लाइक बुद्धिस्ट। तो ऐसा नहीं था, उन्होंने इस प्रकार की चीज़ें नहीं करी हैं, तो इसलिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है कि जैनिज्म को पैट्रोनेज मिली थी कलिंगा किंग खरावेला की फर्स्ट सेंचुरी BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीविका सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय। आजीविका सेक्ट किसने बनाया था, तो मखाली गौशाला ने। अब देखो यहाँ पे क्या स्टोरी है। 30 साल की उम्र में
जब महावीरा स्वामी जी के पिताजी की फादर साहब की मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने सोचा कि अब मैं घर बार त्याग दूंगा। जब ये घर बार छोड़ के गए तब इनको एकम्पनाई किया था मखाली गौशाला ने, लेकिन कुछ समय के बाद इन दोनों में डिफरेंसेस आ गए। अब समय के साथ डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे डिफरेंसेस आ गए तो ये अलग हो गए, तो ये दोनों जब अलग हो गए तो मखाली गौशाला ने फिर आजीविका सेक्ट बनाया था। तो ये एक स्टोरी है। तो इसके जो फाउंडर हैं आजीविका सेक्ट के वो कौन है? मखाली गौशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज़ द केव्स ऑफ बराबर एज ए शेल्टर हाउस? बराबर की जो गुफाएं हैं उनको अपने शेल्टर हाउस की तरह किसने यूज़ किया? तो आजीविकास ने यूज़ किया था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल एज जैन्स इन उत्तर प्रदेश इज एट? उत्तर प्रदेश में एक जगह है जो जैन्स और बुद्धिस्ट दोनों के लिए काफ़ी फेमस पिलग्रिमेज साइट है, वो कौन सी है? तो वो कौशाम्बी है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौशाम्बी वो साइट है जो काफ़ी फेमस पिलग्रिमेज साइट है बुद्धिस्ट लोगों के लिए भी और जैन लोगों के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकर वॉज एसोसिएटेड मेनली विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23rd तीर्थंकर थे और इनका जो इंसाइनिया या सिंबल है ये सर्पेंट है, तो ये निम्नलिखित में से कौन सी वो जगह है जिसके साथ एसोसिएटेड थे? तो राइट आंसर क्या है? वाराणसी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वाराणसी वो जगह है जहाँ पे जैनिज्म के जो 23rd तीर्थंकर हैं वो एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न? महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कुंडाग्राम जो है वो बिहार में वैशाली के बगल में है, नियर वैशाली इन बिहार, कुंडाग्राम जहाँ पे महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन विच ईयर? कौन से साल में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था? तो 540 BC, 540 BC में महावीरा का जन्म हुआ था। एट वट एज महावीरा रिनाउंस्ड हिज फैमिली? कौन सी उम्र में महावीरा ने अपने घर परिवार को त्याग दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 30 की उम्र में महावीरा ने अपने परिवार को त्याग दिया था, रिनाउंस कर दिया था। और इनको एकम्पनाई किया था मखाली गौशाला ने, बाद में इन दोनों में डिफरेंसेस आ गए और इन्होंने आजीविका सेक्ट को बनाया था, ये मैंने आपको पहले भी बताया। वट वॉज द नेम ऑफ महावीरा फादर? महावीरा के पिताजी का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था, ऑप्शन ए। और सिद्धार्थ एक और व्यक्ति का नाम है किनका? गौतम बुद्धा का। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्धा का भी नाम है और महावीरा जी के पिताजी का नाम भी क्या है? सिद्धार्थ। महावीरा के फादर नाथरिका क्षत्रिय क्लैन के हेड थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वट वॉज द नेम ऑफ महावीरा मदर? महावीरा की मदर का क्या नाम था? त्रिशला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये वैशाली के राजा चेतक की सिस्टर थी त्रिशला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वट वॉज द नेम ऑफ महावीरा वाइफ? महावीरा की पत्नी का क्या नाम था? यशोधा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये समरवीरा किंग की डॉटर थी। वट वॉज द नेम ऑफ महावीरा एंड यशोधाज डॉटर? महावीरा और उनकी जो वाइफ थी यशोधा मैया, इन दोनों की डॉटर का बेटी का क्या नाम था? अनोंजा प्रियदर्शनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनोंजा प्रियदर्शनी। इनके पति थे जमाली जो कि फर्स्ट डिसाइपल या फर्स्ट फॉलोअर थे महावीरा के। द ओरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन इज? जैन रिलीजन के ओरिजिनेटर कौन थे? तो ऋषभ देव जो कि पहले तीर्थंकर थे जिनका जो इंसाइनिया या सिंबल है वो पुल है, वो ओरिजिनेटर माने जाते हैं जैन धर्म के। अब मैंने आपको पहले बताया कि ओरिजिनेटर और फाउंडर में फ़र्क है। फाउंडर कौन है? महावीर स्वामी, क्योंकि इन्होंने जैनिज्म को एक सूत्र में पिरोया। लेकिन ऋषभ देव जो है उनको ओरिजिनेटर माना जाता है क्योंकि जैनिज्म का जो एक बीज है वो ऋषभ देव ने बोया था। महावीरा जैन ब्रीथ हिज लास्ट एट? महावीरा ने आखिरी सांस कहाँ पे ली? तो कहाँ पे ली? पावापुरी में ली थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पावापुरी कहाँ पर है? ये बिहार के बिहार शरीफ के नज़दीक है, नियर बिहार शरीफ इन बिहार। तो कहाँ पे आखिरी सांस ली थी? पावापुरी में। एट विच एज महावीरा लास्ट ब्रीथ? महावीरा ने अपनी आखिरी सांस कौन सी उम्र में ली? तो 72 की उम्र में, 72 इज़ द राइट आंसर। 30 की उम्र में घर त्याग दिया, 72 की उम्र में अपना देह त्याग दिया। इन विच ईयर महावीरा लास्ट ब्रीथ? कौन सा वो साल था जहाँ पे महावीरा ने अपनी आखिरी सांस ली थी? तो 468 BC। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
हु वॉज द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकर्स। जैन तीर्थंकर्स का जो ऑर्डर है 24, 1 से 24, उसमें आखिरी जैन तीर्थंकर कौन है? तो कौन है? महावीरा है। 24th तीर्थंकर ब्रेव लाइक अ लायन। सिंबल क्या है? लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ जैन तीर्थंकर। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति हैं जो जैन तीर्थंकर नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? नाथ मुनि। नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे, बाकी तीनों जैन तीर्थंकर हैं। चंद्र प्रभु, इनको चंद्राजी प्रभु भी बोलते हैं, ये 8वें जैन तीर्थंकर थे और इनका जो सिंबल है वो है मून। क्या सिंबल है? मून। नाथ मुनि नहीं है, नेमी। नेमी को नेमी नाथ भी बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया। 21वें जैन तीर्थंकर हैं और इनका जो सिंबल है, इंसाइनिया है, वो है ब्लू लोटस। और शीतलनाथ, शीतलनाथ जो हैं वो 10वें 10th तीर्थंकर हैं शीतलनाथ, और इनका सिंबल क्या है? श्री वत्सा। श्री वत्सा ये सिंबल है शीतलनाथ का। तो कौन तीर्थंकर नहीं है? नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं है। इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज़ यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट। कंप्लीट इंटेलेक्ट के लिए जैन धर्म में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? कैवल्य। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कैवल्य। मैंने आपको पहले बताया कि महावीरा का भी एक नाम है केवलिन, यानी कि परफेक्ट लर्न। तो जो कंप्लीट इंटेलेक्ट है उसको क्या बोला जाता है? कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय। देखिए, नो बॉडी। वर्ल्ड को कोई भी मेंटेन नहीं करता है और कोई भी क्रिएट नहीं करता है, ये जैन धर्म का मानना है। ये अपने ही नेचर के जो लॉज हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो राइट आंसर यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉज हैं जिसके माध्यम से वर्ल्ड अपने आप को खुद ही मेंटेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी द इमीडिएट नॉलेज इन जैन फिलोसफी। जैन फिलोसफी में इमीडिएट नॉलेज, एकदम से अवधि नॉलेज, ये किसे कहा जाता है? तो क्लियर वोयांस। इसको अवधि ज्ञान भी बोलते हैं। होता क्या है ये? जब भी कोई व्यक्ति पार्शली, देखो फुल्ली नहीं, पार्शली, कुछ समय के लिए अपने कर्मों का जो भी इन्फ्लुएंस है उससे फ्री हो जाता है और वो ऐसी पावर एक्वायर कर लेता है कि वो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा दूर हैं या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ही माइन्यूट हैं उनको भी वो देखने लग पड़े, उनको भी वो सेंस करने लग पड़े और ऑब्जर्व करने लग पड़े। तो उसको हम बोलते हैं क्लियर वोयांस। मगर यहाँ पे शब्द पे ध्यान दीजिए, पार्शली। ये फुल्ली फ्री नहीं हुआ है, ये पार्शली फ्री है। इसीलिए इसको अवधि ज्ञान भी बोलते हैं, क्योंकि ये इमीडिएट नॉलेज है लेकिन ये लिमिटेड है, कुछ समय के लिए है, ये परमानेंट नहीं है। इसीलिए इसको अवधि ज्ञान बोला गया कि ये कुछ अवधि के लिए है, कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए है। क्लियर व्यांस, अवधि ज्ञान। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द नेम ऑफ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का निम्नलिखित में से क्या नाम नहीं है? तो सिद्धार्थ इनका नाम नहीं है, सिद्धार्थ इनके फादर साहब का नाम है, सिद्धार्थ गौतम बुद्धा का भी नाम है। महावीर स्वामी का नाम सिद्धार्थ नहीं है, निग्रंथ है। मैंने आपको पहले बताया निग्रंथ या निर्ग्रंथ, इसका मतलब है फ्री फ्रॉम ऑल पॉन्स। तीर्थंकर है, तीर्थंकर माने कि स्पिरिचुअल मास्टर जो इनलाइटन हो चुके हैं ऑलरेडी और बाकियों को वो लिबरेशन का रास्ता दिखा रहे हैं। जितेंद्रिया, जिना या जितेंद्रिया, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को जीत चुका है। इसके अलावा और कौन से नाम थे? अरहंत नाम था यानी कि ब्लेस्ड वन, और केवलिन नाम था यानी कि परफेक्ट लर्न। तो क्या नाम नहीं है? सिद्धार्था नाम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू जैनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो जैनिज्म के साथ नहीं जुड़ा है? प्रतीत्या समुत्पदा, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो शब्द है ये जैनिज्म के साथ नहीं जुड़ा है, ये बुद्धिज्म के साथ जुड़ा है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द सेकेंड तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। सेकेंड तीर्थंकर कौन थे? तो अजितनाथ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अजितनाथ सेकेंड तीर्थंकर थे और इनका जो इंसाइनिया या सिंबल है वो एलिफेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फिफ्थ तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के फिफ्थ तीर्थंकर कौन थे? सुमति नाथ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये फिफ्थ तीर्थंकर थे, इनका जो सिंबल है ये करल्यू है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के 23rd तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे 23rd तीर्थंकर, और इनका जो सिंबल है वो सरपेंट है। अब पार्श्वनाथ जी से रिलेटेड इनके पिताजी और माताजी का नाम भी पूछ लिया जाता है। जैसे महावीर स्वामी के माताजी और पिताजी का नाम देखा हमने, पार्श्वनाथ जी के माताजी पिताजी और इनकी जो वाइफ है उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, सवाल पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, पार्श्वनाथ जी के पिताजी का नाम क्या है?
अश्वसेन। इनके माता जी का नाम क्या था? वामा। पिताजी का नाम अश्वसेन, माता जी का वामा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वाइफ ऑफ पार्श्वनाथ? पार्श्वनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था? प्रभवती। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो अश्वसेन इनके पिताजी का नाम, वामा इनकी माता जी का नाम, और प्रभवती इनकी पत्नी का नाम। कौन से तीर्थंकर थे? 23rd। और इनका क्या सिंबल है? सरपेंट। ये सारे फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। व्हाट वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीरा स्वामी? अब महावीरा स्वामी जी के तो हमने कई नाम देख लिए। इनको तीर्थंकर बोलते हैं क्योंकि ये इनलाइटन हैं और इन्होंने बाकियों को लिब्रेशन का पाथ दिखाया। केवलिन क्योंकि परफेक्ट लर्न है। निर्ग्रंथ क्योंकि जितने भी बोन्स हैं उन सारों से ये ऊपर हैं। जीना या जितेंद्रिया अपनी सेंसेस को, इंद्रियों को जीत लिया है। अरहंत क्योंकि ये ब्लेस्ड वन हैं। महावीरा क्योंकि ये ब्रेव हैं। लेकिन ये सारे नाम तो इनको मिले जब ये परफेक्टली लर्न हो गए, तो इनको कहा गया ये केवलिन हैं, इंद्रियों को जीत लिया, जितेंद्रा हैं, ब्रेव हैं, महावीरा हैं, ब्लेस्ड वन हैं, अरहंत हैं, बोन से फ्री हो गए, निर्ग्रंथ हैं। मगर कुछ ना कुछ नाम तो इनके पेरेंट्स ने भी इनको दिया होगा। तो इनका चाइल्डहुड नेम क्या है? वर्धमान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया है। महावीर स्वामी जी का चाइल्डहुड नाम क्या है? वर्धमान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग जैन टेक्स्ट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स? निम्नलिखित में से वो कौन सा जैन टेक्स्ट है जो अलग अलग रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में बताता है? सूत्र कृतंगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सूत्र कृतंगा वो जैन टेक्स्ट है जो अलग अलग रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में बताता है। तो कितने रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में ये डिस्क्राइब करता है? 368 नंबर ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करता है जैन टेक्स्ट, जिसका नाम है सूत्र कृतंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ लोकायता सेक्ट? लोकायता सेक्ट के फाउंडर किसे माना जाता है? बृहस्पति ऋषि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बृहस्पति ऋषि को लोकायता सेक्ट के फाउंडर माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इनडिसाइडेबल और सेप्टिकल? निम्नलिखित में से कौन इनडिसाइडेबल या सेप्टिकल है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संजय वेल थी पुत्ता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संजय वेल थी पुत्ता। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ ग्रॉस एनाक्रोनिज्म? ग्रॉस एनाक्रोनिज्म की थ्योरी पे निम्नलिखित में से कौन सा बेस्ड है? पूरन कश्यप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पूरन कश्यप। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ एक्सट्रीम मटेरियलिज्म? एक्सट्रीम मटेरियलिज्म की थ्योरी पे क्या बेस्ड है? तो अजित केश कम्बिलन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अजित केश कम्बिलन। ये थ्योरी ऑफ एक्सट्रीम मटेरियलिज्म के ऊपर बेस्ड है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ डिटर्मिनिज्म? डिटर्मिनिज्म की थ्योरी पे निम्नलिखित में से क्या बेस्ड है? मखाली पुत्रा गौशाला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच तीर्थंकर इज कंसर्न विद चक्रेश्वरी यक्षिणी? देखिए चार इंपॉर्टेंट यक्षिणियाँ आती हैं जैनिज्म में, और चार इंपॉर्टेंट यक्षिणियों के साथ चार इंपॉर्टेंट तीर्थंकर जुड़े हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चक्रेश्वरी यक्षिणी, ये किसके साथ कंसर्न है? ऋषभ देव जी के साथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच तीर्थंकर इज कंसर्न विद अंबिका यक्षिणी? अंबिका यक्षिणी के साथ कौन से तीर्थंकर जुड़े हैं? नेमिनाथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच तीर्थंकर इज कंसर्न विद पद्मावती यक्षिणी? पद्मावती यक्षिणी के साथ कौन से तीर्थंकर कंसर्न है? पार्श्वनाथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच तीर्थंकर इज कंसर्न विद सिद्धायिका यक्षिणी? सिद्धायिका यक्षिणी के साथ कौन से तीर्थंकर कंसर्न है? महावीरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम एक बार फिर से सारी यक्षिणियों को और तीर्थंकर को देख लेते हैं। चक्रेश्वरी यक्षिणी किसके साथ जुड़ी है? ऋषभ देव जी के साथ। अंबिका यक्षिणी किसके साथ जुड़ी है? नेमिनाथ जी के साथ। पद्मावती यक्षिणी किसके साथ जुड़ी है? पार्श्वनाथ जी के साथ। और सिद्धायिका यक्षिणी किसके साथ जुड़ी है? महावीरा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ओनली वन ऑफ 11 गंधाराज और गंधर्वास हु सर्वाइव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा? मैंने आपको पहले बताया महावीरा स्वामी इनलाइटन होने के बाद पावा में पहला सरमन देते हैं अपने 11 डिसाइपल्स को, जिनको कहा गया गंधाराज या गंधर्वास। अपने जीवन में ही महावीर स्वामी जी ने अपने जो 10 गंधर्वास थे उनको खोया, उनकी मृत्यु हुई। सिर्फ एक ही ऐसा गंधर्वा थे जिन्होंने महावीर स्वामी की जो डेथ है उसको सरवाइव किया। क्या नाम था? सुधर्मा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वाइट क्लैड सेक्ट ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का वाइट क्लैड सेक्ट जहाँ पे वाइट क्लोथ्स पहनने हैं, कौन सा है? तो वो है श्वेतांबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो एस से सफ़ेद, सफ़ेद माने सफ़ेद कपड़े, ऐसे मतलब इंग्लिश में सफ़ेद आपने ध्यान रखना है। एस से सफ़ेद, एस से श्वेतांबर, एस से स्थूल भद्रा। तो स्थूल भद्रा फाउंडर थे श्वेतांबर के, ये क्या करते हैं? सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्काई क्लैड सेक्ट ऑफ जैनिज्म, बिल्कुल ही बिना कपड़ों के, बिल्कुल न्यूड।
कौन सा है? दिगंबर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. दोज हु वर स्टार्क नेक्ड. हु वाज द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म? किसने श्वेतांबर सेक्ट को फाउंड किया था? स्थूल भद्रा. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. एस से स्थूल भद्रा, एस से श्वेतांबर, एस से सफ़ेद. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म? कौन थे? भद्रबाहु. मगध में सूखा पड़ गया, साउथ इंडिया में श्रवणबेल, गोला में कर्नाटका में गए, 12 साल के बाद आए, कहा कि हम अब आज से बिल्कुल कपड़े नहीं पहनेंगे. क्यों? क्योंकि कंप्लीट न्यूडिटी ये एसेंशियल पार्ट है महावीरा की टीचिंग्स का. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. विच वॉज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीराज टीचिंग? महावीरा की टीचिंग का ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है? पूर्वास. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. पूर्वास बेसिकली पार्ट है 12 अंगास का, जो मैंने आपको पहले बताया 12 अंगास हैं. और ये कब बने थे, कब कंपाइल हुए थे? फर्स्ट जैन काउंसिल में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेम ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म का जेम किसे कहा जाता है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्मा. राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी. ये तीनों जेम ऑफ जैनिज्म में आते हैं. सम्यक श्रद्धा मतलब राइट फेथ, सम्यक ज्ञान राइट नॉलेज, सम्यक कर्मा राइट एक्शन. एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले सम्यक श्रद्धा या सम्यक विश्वास राइट फेथ, ये क्या है? बिलीफ इन तीर्थांकरास, अपने तीर्थांकरों के ऊपर भरोसा करो, राइट फेथ, सम्यक श्रद्धा. फिर आता है सम्यक ज्ञान राइट नॉलेज, क्या है वो नॉलेज? जो जैन क्रीड का नॉलेज है उसको बोलेंगे राइट नॉलेज या सम्यक ज्ञान. फिर आता है सम्यक कर्मा या सम्यक आचरण, यानी कि राइट एक्शन और राइट कंडक्ट. ये है प्रैक्टिस ऑफ 5 वोज ऑफ जैनिज्म. जैनिज्म के जो 5 वोज हैं उसको प्रैक्टिस करना, ये राइट एक्शन या राइट कंडक्ट है, माने सम्यक कर्मा या सम्यक आचरण. तो 5 वोज हमने ऑलरेडी देख लिए, कौन कौन से? अहिंसा यानी नॉन इंजरी, सत्य यानी नॉन लाइंग, अस्त्य यानी नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन, ब्रह्मचर्य यानी कि चैस्टिटी. पहले 4 किसने दिए? पार्श्वनाथ जी ने, जो कि 23rd तीर्थांकर थे, और जो इनका सिंबल है वो क्या है? सर्पेंट. लास्ट किसने दिया? ब्रह्मचर्य, महावीरा ने, जो कि 24th तीर्थांकर थे, ब्रेव लाइक अ लायन. तो ये 5 वोज हैं, इनको प्रैक्टिस करना है. वो है राइट एक्शन राइट कंडक्ट, दैट इज सम्यक कर्मा और सम्यक आचरण. ये 3 जेम्स हैं जैनिज्म के, जिसको हम त्रिरत्न भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रीचर, जिसको थेरा भी कहा जाता है, ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म के पहले प्रीचर कौन थे? तो सुधर्मा थे. सुधर्मा वही 11 गंधर्वाज में से एक गंधर्वा जो जीवित रहे, जिन्होंने महावीर स्वामी जी की जो डेथ है उसको सर्वाइव किया. जैन संघ के पहले प्रेसिडेंट बने और फर्स्ट प्रीचर भी थे ये जैनिज्म के, सुधर्मा. जगत गुरु अ टाइटल गिवन बाय मुगल एम्परर अकबर टू विच जैन स्कॉलर? निम्नलिखित में से वो कौन से जैन स्कॉलर हैं जिन्हें मुगल बादशाह अकबर के द्वारा जगत गुरु का टाइटल मिला था? तो राइट आंसर है हर विजय सूरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अब यहाँ पे सवाल है कि ये कब मिला. देखिए, अकबर के ऊपर वैसे हमारे इतिहासकार अलग अलग डिबेट्स करते रहते हैं. कई कहते हैं कि ये भी क्रूर था बाकियों की तरह. इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी एक मंदिर है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे इसने काफ़ी तहस नहस मचाई थी, वहाँ पे इसने काफ़ी हिंदुओं को मारा था, वहाँ की बुक्स को ये चोर के ले गया था. और वहाँ पे कहा जाता है कि ज्वालामुखी, आप सब जानते होंगे कि ज्वालामुखी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे ज्योतियाँ जलती रहती हैं, पता नहीं वो कैसे जलती हैं, खुद ही जलती रहती हैं. हिंदू बिलीफ के मुताबिक वहाँ पे सती माता की जीभ गिरी थी, तो इसलिए वहाँ पे ज्योतियाँ जलती रहती हैं. उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हुआ है, क्योंकि वहाँ पे पहले ऐसा सोचा गया कि हो सकता है कि आसपास यहाँ पे मीथेन हो, मगर कोई मीथेन का सोर्स वहाँ पे नहीं मिला. तो ये हिंदू बिलीफ्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है कि हम जब ये कहते हैं कि वहाँ पे हमारी माता सती की जीभ गिरी, तो इसलिए वहाँ पे वो ज्योतियाँ जो हैं वो जल रही हैं. तो अब अकबर तो इसको क्यों ही मानेगा, क्योंकि वो तो मुस्लिम था. तो इसलिए अकबर ने क्या किया कि एक नदी का पूरा पानी ही उस तरफ मोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज्योतियाँ नहीं बुझी. फिर उसने एक बहुत बड़ा तवा उन ज्योतियों के ऊपर रख दिया, फिर वो जो तवा था वो फट के ज्योतियाँ बाहर निकली. तो एक भजन भी आता है, तवा फाड़ के निकली ज्वाला. फिर यहाँ पर एक स्टोरी ये भी आती है कि अकबर ने बीरबल के साथ मिलके एक और धर्म की शुरुआत करी थी, जिसका नाम था दीन ए इलाही. तो यहाँ पर इसको ऐसा माना जाता है कि सिर्फ अकबर और बीरबल ही 2 लोग थे जिन्होंने इस धर्म को फॉलो किया था. तो इसलिए अकबर के ऊपर जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो अलग अलग तर्क वितर्क करते रहते हैं. लेकिन अब यहाँ पे अकबर ने क्या किया, यहाँ पर अकबर ने एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को बुलाया.
ये कहाँ पे हुई? ये फतेहपुर सिकरी के इबादत गाह में हुई। तो फतेहपुर सिकरी के इबादत गाह में अकबर के द्वारा एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पे अलग अलग धर्म के जो धर्म को जानने वाले लोग होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और फिर अलग अलग मुद्दों पे वो बहस करते हैं। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उस रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जैन स्कॉलर हरविजय सूरी भी गए थे। तो वहाँ पे इन्हें जगत गुरु का टाइटल दिया गया था मुगल एम्परर अकबर के द्वारा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। विद जैन स्कॉलर वॉज अ कोर्टियर ऑफ सोलंकी किंग्स जयसिंह सिद्धराजन कुमारपाल। मैंने आपको पहले बताया कि ये दो लास्ट ग्रेट पैटर्न्स माने जाते हैं जैनिज्म के, चालुक्य या सोलंकी किंग थे जयसिंह सिद्धराजन कुमारपाल। तो एक जैन स्कॉलर था जो इनका कोटियर था, उनका नाम क्या था? हेमचंद्रा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हेमचंद्रा कोटियर थे सोलंकी किंग्स जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के। हेमचंद्र को कली कला सर्वज्ञा भी बोलते हैं। न्यायवतार एंड सन्मति तर्क सूत्रा ये किसके मेजर वर्क हैं? ये मैंने आपको पहले बताया, न्यायवतार जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि चार जो आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिए गए हैं इनमें बताओ निम्नलिखित में से कौन सा वो टेक्स्ट है जहाँ पे गंधारा या गंधर्वास का नाम नहीं है, तो उसमें भी क्या राइट आंसर था? न्यायवतारा। और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि न्यायवतारा और सन्मति तर्क सूत्रा ये किसके मेजर वर्क हैं, तो ये सिद्ध सेन दिवाकर के मेजर वर्क्स हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य? मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, भद्रबाहु। स्टोरी में भी इनका नाम आया कि मगध से भद्रबाहु जब साउथ इंडिया गए श्रवण वेल गोला कर्नाटका में, तो वहाँ पे इनके शिष्य भी इनके साथ गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिनको गद्दी पे बिठाने में सबसे बड़ा नाम किसका आता है? आचार्य चाणक्य का। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य की गद्दी पर बिठाया। और चंद्रगुप्त मौर्य के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? भद्रबाहु थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लास्ट श्रुत केवाली? लास्ट श्रुत केवाली निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो भद्रबाहु को ही कहा जाता है। हु रोट कल्पसूत्रा? कल्पसूत्रा निम्नलिखित में से किसने लिखा था? भद्रबाहु ने ही लिखा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा और बाहुबली इज सिचुएटेड एट? गोमतेश्वरा और बाहुबली का स्टैचू निम्नलिखित में से कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? कर्नाटका में। अब यहाँ पे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही उम्दा उदाहरण है जैन आर्किटेक्चर का, स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर या बाहुबली। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉलेज इज देयर एज पर जैनिज्म? जैनिज्म के मुताबिक कितने प्रकार का नॉलेज होता है? पांच प्रकार का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन कौन सा नॉलेज? मति ज्ञान। मति ज्ञान एक ऐसा परसेप्शन जो आपके सेंस ऑर्गन्स की एक्टिविटी से आता है। फिर आता है श्रोता ज्ञान। श्रोता ज्ञान वो नॉलेज होता है जो स्क्रिप्चर्स रिवील करती हैं। श्रोता श्रुतियाँ, श्रुति से आया है श्रोता। श्रोता ज्ञान यानी जो श्रुतियाँ माने स्क्रिप्चर्स के द्वारा रिवील होता है। अवधि ज्ञान क्लियर वोयांट परसेप्शन जो कुछ अवधि के लिए है, एक ऐसा समय जब व्यक्ति टेम्परेरी कुछ समय के लिए सारे जो उसके कर्म है उन सबसे फ्री हो जाता है और उसके पास वो ऑब्जर्व करने की ताकत आ जाती है, पावर आ जाती है किसी ऐसी चीज़ को जो बड़ी डिस्टेंट पे है, बहुत दूर है या फिर जो बहुत ही माइन्यूट है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दी, क्लियर वोयांट परसेप्शन अवधि ज्ञान। फिर आता है मनः प्रयान ज्ञान। मनः प्रयान यानी कि टेलीपैथिक नॉलेज। मनः प्रयान, मना यानी कि मन, तुम किसी का मन पर ले रहे हो। यहाँ पे एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई हाथ के एक्शंस नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे बस तुम बगल में बैठे हो और तुम्हारा पूरा मन पढ़ लिया जा रहा है। टेलीपैथिक नॉलेज मनः प्रयान ज्ञान। और फिर आता है केवल ज्ञान, टेम्पोरल नॉलेज या ओमनीसेंस। ये मतलब जो सर्वज्ञाता है या सर्वज्ञानी है, ठीक है, जिसको मतलब पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, केवल ज्ञान। तो ये पांच तरीके के ज्ञान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म प्रीच्ड बाय महावीरा। वो प्रिंसिपल जैनिज्म के जिनको महावीरा के द्वारा प्रीच किया गया है, ये चार आपको वो प्रिंसिपल दिए हैं, इनको आपने पढ़ना है, बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले, रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, उन्होंने वेदों और वैदिक रिचुअल्स की जो अथॉरिटी है उसको रिजेक्ट किया। डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये भी बिल्कुल ठीक है। बिलीव्ड इन कर्मा एंड द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, हमने तीन रियल्म्स पढ़े थे।
हेवनली अर्थली एंड हेल, और वो किसके बेसिस पे थे, कर्मों और एक्शन के बेसिस पे। तो बिलीव्ड इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, बिल्कुल सही। लेड ग्रेट इम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, बराबरी पे उन्होंने काफ़ी इम्फेसिस दिया, काफ़ी जोर दिया, बिल्कुल सही। तो ये चारों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों जर्नलिज्म से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। मैंने काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी रिसर्च करा है इस वीडियो को बनाने के लिए। इस समय मेरा गला तक बैठने लग पड़ा है क्योंकि मैं ये दूसरी बार बना रहा हूँ। पहले एक बार बनाई थी लेकिन वो ख़राब हो गई थी तो मेरे को फिर बनानी पड़ी थी, और इस समय लिटरली मेरा गला बैठ रहा है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है मैंने इसको बनाने में, काफ़ी रिसर्च किया है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बुद्धिज़्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन और महात्मा गांधी के ऊपर ऑलरेडी जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन और महात्मा गांधी, इनसे सवाल बनते ही बनते हैं। ये चार वीडियोज़ आपने देख ली तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। और बाकी जो मैंने आपको दो प्लेलिस्ट बताई हैं जीके क्वेश्चंस, जहाँ पे मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराया है, जिसमें बुद्धिज़्म में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, रिपब्लिक डे है, और ऐसे और तमाम कई टॉपिक्स हैं, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। दूसरी प्लेलिस्ट मेरी पर्सनैलिटी क्वेश्चंस के ऊपर है, वहाँ पे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, APJ अब्दुल कलाम, अशोका, हर्षवर्धन, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस बनाए हैं विस्तार से, तो ज़रूर देखिएगा। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बुद्धिज़्म, महात्मा गांधी और इंडस वैली सिविलाइजेशन की वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए सारी इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर देखिएगा समय निकाल के। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट कंटफे की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटफेयर, जीके टिक्स, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।